हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उप तहसील गंगत के तहत एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जी हां, बुधवार को स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। स्कूल के छात्र और छात्राएं धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल आरोपों के बाद शिक्षक की तबीयत बिगड़ गई। पता चला है कि उसे नूरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्राओं ने स्कूल के भौतिकी के शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से शिक्षक छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था। अब हिम्मत जुटाकर छात्राओं और विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में अध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक लैब में बुलाकर उन्हें गलत हरकतें करने का दबाव डालता और असेसमेंट के ज्यादा नंबर लगाने की बात करता था। ऐसा ना करने पर आरोपी कम नंबर लगाने की धमकी देता था। जी हां, आरोपी शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने मामले पर संज्ञान लिया है और उनकी ओर से गठित टीम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एसएसआई पवन कुमार ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके पर पहुंचे नूरपुर के डीएसपी साहिल अरोड़ा ने मामले की पुष्टि की है। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? मैंने अभी आपको ये सामने ही विचार रखे हैं कि मुझे विभाग की तरफ से भेजा गया और कहा गया कि वहाँ पे जाकर के फाइंड आउट करिए और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो विभाग उस व्यक्ति के खिलाफ जो वो करे। अभी क्या कार्रवाई की है? अभी हमने FIR जो वो उसके डिपार्टमेंट की तरफ से कर देंगे और उसकी एक मेल की कॉपी जो है वो अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भेज दी जाए थोड़ी देर। और थोड़ा सा हम मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी है और हरासमेंट कमेटी है और जिन बच्चियों के साथ ये बातचीत हुई है उनके साथ मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। सर, सेक्सुअल हरासमेंट जो आपके पास रजिस्टर है इसमें क्या कोई कंप्लेंट पाई गई है? ये देख के लगेगा पता। जी जी, इसका जो हरासमेंट कमेटी होती है इसमें हर मंथ जो है वो रिपोर्ट जाती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जाती है। बच्चियाँ खास करके लड़कियाँ जो हैं वो अगर उनके साथ कोई वारदात होती है, इवन दैट कि कोई बच्चा भी उनको छेड़ता है या तंग करता है, तो उसके बारे में शिकायत जो है वो हरासमेंट कमेटी को की जाती है और उसमें एक प्रस्ताव डलता है और उसकी कॉपी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भेज दी जाती है ताकि विभाग हमारी तरफ से जो कार्रवाई की गई है विभाग को उसके ऊपर जो वो एक्शन। सर, क्या आज दिन तक कोई इसकी रिपोर्ट आई है सेक्सुअल हरासमेंट? जो रिपोर्ट के बारे में अभी इसको तो देखना पड़ेगा कि रजिस्टर में कोई बच्ची ने कंप्लेंट की है, अगर कंप्लेंट की है अगर उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है वो देखना पड़ेगा। अगर कंप्लेंट नहीं आई है तो फिर किस बात की कार्रवाई होगी ये तो देखना पड़ेगा रजिस्टर, क्योंकि हर मंथ जो है वो 31st को क्या बोलते 31st या 30th को जो भी महीना होता है उसमें जो है वो बच्चियों के जो भी रिगार्डिंग होती है बात वो हम भेज देते हैं। अगर कोई वारदात नहीं होती है तो उसकी नील रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट को जाती है, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके ऊपर जो एक्शन लेकर भेजा जाता है। आज की कार्रवाई जीवन डाली जाएगी। कितनी बच्चों की कंप्लेंट अभी मैं देखूंगा, अभी जो इस महीने की
मैं श्री राम राय शुनट त्रावड़ी विली चौपड़ी से रविंदर कुमार, मेरी तरफ से सभी त्रावड़ी वासियों और वह हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेशवासियों व शहरवासियों को श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार पुनः श्री राम राय शुनट त्रावड़ी की ओर से फिर से शुभकामनाएं। श्री राम राय यूनिट गांव चौपड़ी त्रावड़ी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम राय यूनिट तरावली महालक्ष्मी से कामना करता है कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों तथा तरावली नगर के निवासियों को एक बार फिर से श्री राम ग्रुप की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तरावली के मशहूर बासमती चावल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड की खुशबू बना दे आपको दीवाना। इस दिवाली अपनी रसोई में लाएं गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड चावल, जो दे आपको खुशी और सेहत का खजाना। असली बासमती केवल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड। चेयरमैन लाला साधुराम सिंगला, एमडी रविंदर सिंगला, निदेशक विजय सिंगला, भारत विकास परिषद त्रावड़ी के प्रधान संजय सिंगला, एक्सपोर्ट मैनेजर महेश सिंगला तथा एडवोकेट राकेश सिंगला आपको दीपावली की बधाई दे रही है। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।